नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में राष्ट्रीय दलित महासभा संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उमरिया जिला मुख्यालय के पुराने बस स्टैंड में राष्ट्रीय दलित महासभा संगठन के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होकर रैली निकाली गई, जहां कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि बांधवगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दलित आदिवासियों के द्वारा मुख्य मांगे अंकित की गई है। राष्ट्रीय दलित महासभा संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आदिवासी एवं पिछड़ा समाज लोगों के भूमि हक को लेकर मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ आदिवासियों को 1,000 रुपये महीना मिलने वाली राशि नहीं मिल पा रही है एवं पुलिस लाइन के पास भूमि स्वामी श्याम बाई बैगा के पट्टे की जमीन पर पुलिस विभाग द्वारा फायरिंग रेंज बनाया जा रहा है, उसे तुरंत रोका जाए। वही संबंधित लोग आदिवासियों की जमीन को जबरन छीन रहे हैं, जहां आदिवासियों पर अत्याचार मामले में SC ST एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के मकानों में बिजली नहीं जल रही, लोग अंधेरे में हैं, लेकिन बिजली विभाग द्वारा उन्हें मनमाना बिल दिया जा रहा है, उसका निराकरण किया जाना चाहिए। वही इन सभी मुख्य मार्गों को लेकर राष्ट्रीय दलित महासभा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो प्रशासन को उसको ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज परिषद के अंदर किसी को खुलेआम दिन दहाड़े मारपीट होता है इस तरह से, और आज तक अभी कार्रवाई हुई है, उसमें कई धाराएं भी लगी है, लेकिन अभी दोषियों को अभी सलाखों के पीछे नहीं डाली है। या पढ़े लिखे नहीं, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो वोट डालने में तो सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है, सरकार बनाने में पूरी भूमिका इनकी होती है, तो फिर इनका सुना क्यों नहीं जाता है। आज जमीन को लेके सबसे बड़ा गहना हमारा जमीन है, जब हमारा जमीन नहीं रह जाएगा तो हम कहां जाएंगे, हमारा जमीन नहीं रहे। आज विदेशों से जो लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, 40-40, 50-50 एकड़ जमीन उनके पास है, जो यहाँ पुश्तैनी हजारों साल से बसे हुए पुश्तैनी निवासी हैं, उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो ये प्रशासन को और शासन को ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ सरकार बोलती है कि मैं किसी भी गरीब किसी भी मतलब SC ST पर यहाँ पर इतना शोषण हो रहा है कि शासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर उमरिया जिला भले छोटा जिला है, लेकिन ST SC OBC और इनमें यदि अत्याचार शोषण हो रहा है तो सबसे ज्यादा ये उमरिया जिला है, और मैं इसका हम एकदम जमीनी स्तर पर विरोध करते हैं कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनमें तत्काल कार्रवाई करते हुए और जो मुजरिम है उनको तत्काल सलाखों के पीछे लाना चाहिए, हमारी मांग है। हमेशा कलेक्टर मुंह छुपा के भागता है, पता नहीं आदिवासियों मिलने शर्म क्यों आती है उसको, आदिवासियों से कलेक्टर को मिलने शर्म क्यों आती है। एक तो आज जाएगा आदिवासी जमीन उमरिया पुलिस लाइन में, मेरा एक जमीन पुलिस और कलेक्टर की मिली बात से कब तक कहा जा रहा वहां पे आदिवासी जमीन पे, जबकि कमलनाथ ने भी 4 दिन पहले अखबार में भेजा है कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता। वर्ग जाति जेंडर भेदभाव की स्थिति पर विचार किए बिना लड़के और लड़कियों में आने वाले भेदभाव बहुत पड़ता है। शिक्षा प्राप्त करना, खेलना, पोषण पाना, नौकरी करना आदि का दोनों का विचार है, तो समाज से यह भेदभाव खत्म करें। अपनी जानकार के लिए अपनी सुनो, अपनी भाग में परिवर्तन लाने के लिए अपनी सुनो। ये इतने साहसी नहीं होते, प्रतिदिन अपने काम एवं बाल बच्चे तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। भारतवासियों को दुखों को दूर करने के लिए ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रही है और सभी के आंखों के सामने हो रही है। बहन या दीदी, लोगों को जमीन छीनना बंद करें। आया है कि मैं वहाँ काम चालू है, मैं बंद कराने चाहती हूँ, मैं खेती बाड़ी नहीं करने देते हैं, मेरे को डांटते हैं। कौन क्या कहते हैं? ये तुम खेती बाड़ी मत करिए। हाँ, ये पट्टे धारे हैं ना, यहाँ हमारे दलित आदिवासी समाज पे दखल किया जा रहा है, उनकी समस्या न शासन न प्रशासन देख रहा है। जमीनी स्तर में रैलियाँ हर चीज मतलब संघर्ष कर रहे हैं, इसके भी बावजूद हमारी समस्या न शासन न प्रशासन देख रहा है। आज यह महिला शक्ति आई है और आज उनकी यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करें। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो ये संघर्ष जारी रहेगा, कभी बंद न होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला अपना वापस ले जो सुनाई है। हमारे खाते में तो पैसा नहीं आता, और हम सोचते हैं कि हमारे भी खाते में आए पैसा, भाई सभी को मिल रहा है तो हमको भी क्यों नहीं मिले, तो सरकार किसी को देती है किसी को नहीं देती है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, सभी को बनाए सरकार। राष्ट्रीय दलित महासभा बेगा विकास संगठन के द्वारा अभी तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर साहब नहीं है, तो हमने बोला अभी 4 लोग मिलेंगे कल। ज्ञापन इसलिए दिया कि जो उमरिया पुलिस लाइन में जो नथुराम बैगा है, जो उनकी 5 पीढ़ी वहां पर काबिज थी जमीन पे, और उनकी जमीन को बिगैर नोटिस के अवैध तरीके से उनकी जमीन पे काम चालू किया गया है,
फायरिंग रेंज बनाने के लिए, जबकि आबादी के तहत वो फायरिंग रेंज नहीं बन सकती। और उनके परिवार ने क्या ज्ञापन दिए यहाँ पर, जन सुनवाई में भी दिया, तो मुझे तो लगता है कि जन सुनवाई का कोई मायने नहीं है। ये कलेक्टर साहब को पता है कि भाई ज्ञापन दिया, उन्होंने लोगों ने धमकी भी दे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तब भी ये प्रशासन को नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बैगा समाज जो कुपोषण का जो पैसा मिल रहा है 1000 रुपये भाई, उसमें बहुत घोटाला है यहाँ पर, जो कि किसी को तो 1000 मिला है, किसी को मिला ही नहीं है, और किसी को मिला तो 30000 मिल गया है। जब ये आदिम जाति कल्याण विभाग बिरावर पैसा क्यों नहीं भेजता, क्या तो रोक के रखो, मत भेजो पैसा, नहीं तो भेजो सबके जितने लोगों को परिवार में भेजो। अभी मैं कहने जाता हूँ केस के लिए बैगा है, विधवा है, 2 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, जमीन भी नहीं है, इसका खाते में 4000 रुपये आया। और उसके बाद कहते जी हमने पैसा भेजा, पैसा आपके खाते में पहुंचा नहीं है, वो चलान आ गया। ये लड़की 8 महीने चक्कर काट रही है यहाँ पर, मगर आज तक चलान यहाँ पड़ा हुआ है। आदमी जाति कल्याण विभाग में एक नहीं कई 100 चलान पड़े होंगे यहाँ पे, लोग पैसे वापस आ गए, जो पैसा वापस आता है वो उसी खाते में आता है, तो पैसा डालते क्यों नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से 1900 की मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, और इसके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उचित माध्यम से भिजवा दिया गया। राष्ट्रीय दलित महासभा द्वारा आज जो है ये सभी लोग जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे जमा हुए थे, उसके बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट में इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। ये अभी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से इन्होंने अपना ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के सामने सौंप दिया है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी और दौरान कार्यक्रम पूरी खैरियत रही।